कभी कभी हौसले को यह समझ नहीं आता कि उसे अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए, तब खौफ समझ जाता है कि उसके आने का वक्त आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर के फिल्म देवरा के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ में सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर हमें देखने को मिलेंगे। अब आपको बता दें कि ट्रिपल आर के बाद ये एनटीआर की अगली फिल्म है, जिसे फिल्म को लेकर इस वक्त पैन इंडिया मार्केट में अच्छी खासी हाइप बनी हुई है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन कल इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देवरा फिल्म अब रिलीज होगी 10 अक्टूबर को, जो कि एक तरह से काफी बढ़िया डेट है। अगर ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होती तो इसके कुछ दिनों बाद ही अक्षय कुमार के बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिल्म का हिंदी कलेक्शन काफी कम रहता है। लेकिन अब ये फिल्म जहाँ 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवीज रिलीज होते हैं पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिनिमम 100 करोड़ का कर सकती हैं। और अगर फिल्म अच्छी हुई, लोगों को पसंद आई, तो शायद ये मूवी इंडियन सिनेमा की एक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन सकती है। वैसे आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।